हे there, इस वीडियो में मैं आपको वो स्केलिंग स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जिनसे हमने अपने ई कॉमर्स बिजनेस में $30,000 और डे तक का रेवेन्यू हिट किया है। इन्हीं स्केलिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके मैं आपको प्रिसाइसली 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। पहली स्ट्रैटेजी है जो कि सेफ है, तो उसको हम बोलते हैं सेफ स्केलिंग। दूसरी स्ट्रैटेजी है जो कि अग्रेसिव है, तो उसको हम अग्रेसिव स्केलिंग बोलेंगे। तीसरी है जो कि बैलेंस्ड है, तो उसको अपन बैलेंस स्केलिंग बोलेंगे। और चौथी चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको हम लोग आपको फेसबुक डैशबोर्ड शेयर करके दिखाएंगे, जहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो स्केलिंग स्ट्रैटेजीज हैं ये काम कैसी करती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि स्केलिंग होता क्या है। तो देखो, स्केलिंग सिंपल है। आपका एक फेसबुक एड कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है और आप उससे और सेल्स चाहते हो, और उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने बजट को स्केल करोगे। मतलब आप अगर आज 100 रुपये स्पेंड कर रहे हो उस कैंपेन पे, आप और ज़्यादा पैसे स्पेंड करोगे। स्केलिंग तब होती है जब ऑफकोर्स आपको डिजायर्ड रिजल्ट अपने कैंपेन से मिल रहा है और आप और ज़्यादा वो डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो, प्रोवाइडेड आप प्रॉफिटेबल रहो, आपको ग्रोथ मिल रही हो, आप नेट पॉजिटिव रहो। इसको हम स्केलिंग बोलते हैं। जब आप जितना पैसा आप उस कैंपेन को दोगे, उतना ज़्यादा वो एड फेसबुक और लोगों को दिखाएगा, और जिससे आपके पास और ज़्यादा सेल्स आ सकती हैं। लेकिन ये करने के लिए स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको कब स्केल करना है और कब आपको अपने कैंपेन या अपने कैंपेन के एडसेट को स्टॉप करना है। तो मेरी लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो में हमने इस बारे में डिटेल में बात करी थी कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि कैंपेन रोकना कब है और स्केल कब करना है। तो मैं उस बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। अब हम सीधा बात करेंगे 3 स्केलिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। अब जो पहली स्केलिंग स्ट्रैटेजी है उसको हम लोग बोलते हैं सेफ स्केलिंग। अब सेफ स्केलिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, हम लोग बहुत सेफली अपने एडसेट को स्केल करने वाले हैं उस मेथड से जो फेसबुक रेकमेंड करता है। तो अगर आप फेसबुक के आर्टिकल्स पढ़ोगे या उनके रिकमेंडेशन देखोगे, तो वो ये बोलते हैं कि अपने एडसेट का बजट या अपने कैंपेन का बजट हर रोज़ 20% से बढ़ाए जाओ, क्योंकि अगर आप अपना कैंपेन का बजट 20% से बढ़ाते रहोगे तो फेसबुक के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, आपका सबसे पहले आपने जज कर लिया कि आपको इस एडसेट को स्केल करना है या नहीं। ठीक, अब मान लेते हैं आपने इसको स्केल करना है, प्रॉफिटेबल थे, आपने बोला मैं इसको स्केल करूंगा या करूंगी। तो अब क्या करोगे, आप अपने उस एडसेट का बजट 20% बढ़ा दोगे। तो अगर अभी उस एडसेट का बजट है 400 रुपये, तो आप बजट बढ़ा के कर दोगे 480 रुपये। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आपने बजट बढ़ा दिया, तो आप 24 घंटे एटलीस्ट एक पूरे दिन तक या 24 घंटे तक उस एडसेट को चलने दोगे, और फिर आप देखोगे कि क्या लास्ट 24 घंटे में आपका वो एडसेट प्रॉफिटेबल था, ब्रेक इवन था या लॉस था। अगर बजट बढ़ाने के 24 घंटे बाद तक वो एडसेट आपका प्रॉफिटेबल रहा, मतलब आज आपने 480 रुपये लगाए और आपके पास कुछ सेल्स आई और आप प्रॉफिटेबल हो, आपने P&L बना लिया, आपको पता है प्रॉफिटेबल हो, तो आप क्या करोगे, आप उसके बाद 20% बजट और बढ़ा दोगे। तो 480 रुपये का जो भी 20% होगा, आप उतना बजट और बढ़ा दोगे, फिर 24 घंटे फिर चलने दोगे, और आप ये प्रोसेस रिपीट करोगे। अब अगर आप लास्ट 24 घंटे में जब तक प्रॉफिटेबल हो, आप 20% बजट बढ़ाते जाओगे। अगर आप ब्रेक इवन पे हो, कि मतलब ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो आप कोई कुछ चेंज नहीं करोगे, बजट उतना ही रहेगा। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका वो एडसेट लॉस में आ गया, वो आपके लिए लॉस मेकिंग हो गया, मान लो लास्ट 3-4 दिन तो प्रॉफिटेबल था तो हम बजट बढ़ाते गए, लेकिन लास्ट 24 घंटे ऐसे निकले कि आपने कैलकुलेशन करी आप लॉस में आ गए हो, तो आप क्या करोगे, आप उस एडसेट का बजट 20% कम कर दोगे। तो अगर अभी उस एडसेट का बजट लेट से 480 रुपये है, तो आप उसका बजट 20% कम करके 400 पे वापस ले आओगे। तो ये हो गया हमारा सेफ स्केलिंग स्ट्रैटेजी। अब सवाल ये आता है कि आपको सेफ स्केलिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई कब करनी है। मैं रेकमेंड करता हूँ जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको ज़्यादा फेसबुक एड्स में एक्सपीरियंस नहीं है और आपको पहला प्रॉफिटेबल कैंपेन मिला है, तो आई वुड रेकमेंड आप सेफ स्केलिंग से ही स्टार्ट करो। इसके बाद आ जाती है हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी, जिसको हम बोलते हैं अग्रेसिव स्केलिंग। इसको अग्रेसिव क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको अग्रेसिव स्केलिंग कब लगानी है। अग्रेसिव स्केलिंग आप तब लगाओगे जब आपके उस कैंपेन या उस एडसेट का जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, जिसको हम रोआस भी बोलते हैं, मतलब जितना आपने लगाया वर्सेस जितना सेल आई, उसका जो रेशियो रोआस, अगर उसका मोर देन यूजुअल है, मान लो आपको टाइम हो गया कैंपेन चलाते हुए और आपका एवरेज रोआस होता है 3 या 3.5 अच्छे कैंपेन्स पे, और ये कैंपेन है जो टेस्टिंग आपने करी और इस एडसेट पे आपका रोआस आ रहा है 4, 5, 6, 10, 11, इसका मतलब है कि ये कुछ अनयूजुअल है, मतलब ये वाला जो आपका कैंपेन है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा रिस्क और लेते हैं, तो हम इसमें अग्रेसिवली स्केल करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, इतना अच्छा रोआस देने वाले एडसेट्स या कैंपेन्स रोज़ नहीं आते, और कोई भी जब आप फेसबुक के साथ एक्सपीरियंस हो गए, अगर आप ऑलरेडी हो, आपको ये पता होगा कि हर एडसेट आपको बहुत अच्छा आरओआई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हमें कोई ऐसा एडसेट मिला जो आपको बहुत अच्छा आरओआई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अग्रेसिवली स्केल करेंगे। और ये हम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि यस मैंने इसको स्केल करना है, तो अब क्या करोगे, आप अपने एडसेट का बजट डबल कर दोगे। तो अगर आपके एड सेट का बजट 400 रुपये है तो आप उसको कर दोगे 800 रुपये, फिर आप उसको 24 घंटे तक चलने दोगे। ये याद रखना, 24 घंटे चलने देना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। फिर तो 24 घंटे आपने उसको चलने दिया, ठीक है। अब आपने देखना है कि क्या प्रॉफिटेबल हो। अगर आप लास्ट 24 घंटे में प्रॉफिटेबल हो, बढ़िया, आप बजट को फिर से डबल करोगे तो आप उसको कर दोगे 1600 रुपये, ठीक है। तो जब तक आप प्रॉफिटेबल हो उस एडसेट पे, आप बजट को हर 24 घंटे में डबल करते जाओगे, 1600, 3200, मतलब 6400 ये बढ़ता रहेगा ऐसे कर, ठीक है। अब मान लो आपको पता चला कि यार अब तक तो प्रॉफिटेबल चल रहा था लेकिन लास्ट 24 घंटे हैं वो मेरे ब्रेक इवन के हैं, तो अगर आप ब्रेक इवन पे हो तो कुछ नहीं करना, एडसेट को अनटच छोड़ना है, उससे कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट या नो लॉस पे हो, ठीक। अब सवाल होता है अगर आप लॉस में चले गए, सबसे इंपॉर्टेंट। अब अगर आपका एडसेट लास्ट 24 घंटे में लॉस पे चला गया तो आपको क्या करना है, आपको उस एडसेट का बजट 50% से कम कर देना है। तो अगर अभी मान लो आपका एडसेट है जो कि 800 रुपये पर डे के बजट पे चल रहा है, इसका 50% 400, तो मतलब 800 में से 400 कम कर दोगे तो नया बजट आ जाएगा 400। तो आप 50% से उस एडसेट का बजट कम कर दोगे, वापस उस बजट पे आ जाओगे। अगर आपको लगता है कि लास्ट 24 घंटे में आपका जो एडसेट है वो लॉस में है, फिर मान लो अगले दिन वो फिर प्रॉफिटेबल हो गया, बढ़िया, फिर आप फिर से डबल करो। तो एज लॉन्ग एज प्रॉफिटेबल हो लास्ट 24 घंटे में आप बजट को डबल करोगे। अगर आप लॉस में हो तो उसको हाफ कर दोगे, अगर ब्रेक इवन है तो उसको आप ऐसे ही चलने दोगे। और जैसा मैंने बोला, ये आप तब लगाओगे जब आपको अनयूजुअल या बहुत ही अच्छा रिवाज आ रहा है, आपके एक्सपीरियंस में काफी कैंपेन्स चलाने के बाद, एड्स चलाने के बाद आप वो चीज जज कर पाओगे। ओके, अब बात करते हैं तीसरे स्केलिंग मेथड के बारे में जिसको हम बोलते हैं बैलेंस स्केलिंग। पहले मैं ये बता देता हूँ आपको ये स्केलिंग मेथड लगाना कब है। तो बैलेंस स्केलिंग या तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, शुरू में प्रॉफिटेबल एडसेट मिला है, या तो तब अप्लाई कर लो, या मान लो आप थोड़े एक्सपीरियंस दो और आपको लग रहा है ये कैंपेन ठीक ठाक है, मतलब ना ही ये बहुत अच्छा है और एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप बैलेंस स्केलिंग लगा सकते हो या शुरू में भी लगा सकते हो। ये काफी सेफ स्केलिंग मेथड है। इस स्केलिंग मेथड में आपको क्या करना है, मान लो आपने अपने कैंपेन में 3 से 4 एडसेट चलाए और उन 3 से 4 एडसेट में से कोई भी एक प्रॉफिटेबल एडसेट निकल के आ गया जो कि प्रॉफिटेबल है, और आपने कैप रूल लगाया जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, और आपने आइडेंटिफाई करा मैं इसको स्केल करूंगा, ठीक है, या करूंगी। तो अब आप क्या करोगे, आप उस एडसेट को डुप्लीकेट करोगे उसी कैंपेन के अंदर, ठीक है, उसी बजट पे, कोई बजट में चेंज नहीं होगा, और आप सिर्फ इंटरेस्ट को रिप्लेस कर दोगे। मतलब अगर अभी आपका इंटरेस्ट था मदरहुड, ठीक है, तो आपने डुप्लीकेट करा, मदरहुड हटाया और मदरहुड के सजेशन में कोई और इंटरेस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे बीइंग अ मॉम या मदर, ठीक है। कोई भी ब्रॉड सजेशन से आपने कोई एक इंटरेस्ट पिक करना है, ब्रॉड इंटरेस्ट पिक करना है, तो आपने एक नया एडसेट बना दिया। फिर आप क्या करोगे, उसको चलने दोगे, 24 घंटे चलने दोगे। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 24 घंटे तक कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है अपने एडसेट पे। अब अगर वो नया एडसेट आपका प्रॉफिटेबल है, बहुत ही बढ़िया, तो आप क्या करोगे, अब आप फिर से ही प्रोसेस रिपीट करोगे। आप उस एडसेट को, जो नया वाला एडसेट था जो प्रॉफिटेबल रहा लास्ट 24 घंटे में, डुप्लीकेट करोगे और सेम प्रोसेस रिपीट करोगे, पुराने वाला इंटरेस्ट हटाओगे और एक नया इंटरेस्ट डालोगे जो अब तक आपने इस कैंपेन में नहीं डाला है। तो ऐसे कर करके आप ये प्रोसेस रिपीट करते जाओगे। अब आप बोलोगे अच्छा जब मैं ये कर रहा हूँ, जो मेरे बाकी के एडसेट्स हैं उनका क्या। बाकी के एडसेट्स को ना आपको जज करते रहना है यूजिंग द कैप रूल, जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है, जो आपको ये बताएगा कि एज आपके बाकी एडसेट चल रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि कब आपको उसको स्केल चलने देना है, कब आपको उसको बंद करना है। वो एक जजमेंट फॉर्मूला, एक रूल है जो आपको अप्लाई करते रहना है। इस स्केलिंग मेथड को हम DAAI भी बोलते हैं, मतलब डुप्लीकेट एंड ऐड इंटरेस्ट। तो इसको हम DAAI भी बोलते हैं बिकॉज एक्चुअली हम इसमें डुप्लीकेट करके इंटरेस्ट ही ऐड कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप कब तक ये करते रहोगे। देखो, जब तक आप ऑल पॉसिबल सिंगल इंटरेस्ट यूज ना कर लो इन एडसेट्स में, आप तब तक ये प्रोसेस फॉलो करोगे सेम बजट्स पे। मतलब अगर एडसेट का बजट 400 है तो 400 ही रहेगा और कुछ नहीं करना, बस इंटरेस्ट चेंज करते रहना है और हर बार नए इंटरेस्ट डालते रहना है, रेलिवेंट वाले। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया, रेलिवेंट इंटरेस्ट डालने हैं आपकी नीश के हिसाब से या जो पास में इंटरेस्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से इस कैंपेन के अंदर। अब जब आप ऐसे स्टेज पे पहुंच गए, आपको लग रहा है कि यार अब तो कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं है, तो अब इस स्टेज पे आप जो अब तक एडसेट आपके चल रहे होंगे, जो आपके सुपर पावरफुल एडसेट अब तक चल रहे होंगे, अब आप उनको स्केल करोगे मेकिंग यूज ऑफ व्हाटएवर मेथड्स आई शेयर्ड अबव। चाहे वो आप करोगे सेफ स्केलिंग से या अग्रेसिव स्केलिंग मेथड, जो मैंने इससे पहले 2 मेथड बताए हैं, आप उसके बाद वो वाले मेथड्स फिर अप्लाई कर सकते हो। अब चलो, ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट कि आपको स्ट्रेटजी क्या लगानी है, आपको अप्रोच क्या लगानी है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने बिजनेस पार्टनर मुकुल, जो कि हमारा सारा मार्केटिंग हैंडल करते हैं हमारे POD बिजनेस में, एंड इवन जो मैं क्लोथिंग ब्रांड कैल्विन रॉस चलाता हूँ, मैंने उनको बोला कि वो एक क्विक छोटी सी वीडियो बनाएं जहाँ पे वो डैशबोर्ड शेयर करके दिखा दें कि मतलब क्या है, कि ये मेथड्स आप अप्लाई कैसे करोगे, आपको बजट कैसे चेंज करना है, ये सब चीज़ें। तो अब चलते हैं उस वीडियो पे, और उस वीडियो के बाद मैं आपसे एक शीट शेयर करूंगा, एक एग्जाम्पल शीट शेयर करूंगा, जिसमें हम अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग आपको मैं रास्ते दिखाऊंगा कि अगर ये हुआ तो आपने क्या किया, ये हुआ तो क्या हुआ, और उस शीट का लिंक मैं नीचे भी डालूंगा। बट उससे पहले चलते हैं मुकुल की वीडियो पर। Hey guys, Mukul this side again. Let me show you how these three scaling strategies work. Now, first of all, we will see horizontal safe scaling. Now, let's create a campaign. Let's say we are starting with a conversion campaign. So this is how our campaign will get created. We will have three ad sets, as you all know. So three ad sets with a budget of 400 rupees each. Okay. So we will have a budget of 400 rupees. Now, let's say we have published all these three ad sets. Okay. Let's quickly duplicate this and this as well. So now we have three ad sets in one campaign, ad set 1, 2 and 3. Okay. Now the budget is same, 400 rupees. Now if we talk about safe scaling with a horizontal safe scaling, in this we will keep on increasing the budget by 20% after every 24 hours. Okay. Let's say for 400 rupees you are profitable. Now, if you are profitable and you are getting consistent sales for last 3 days, what you will do is you will increase this 400 rupees to 480 rupees. You will increase the budget by 20%. And again, after 24 hours, if again you are profitable, you will again increase the budget by 20%. So this is how you will keep on increasing the budget by 20%. But on any day, if you are at break even, you will not do anything. You will not reduce the budget and you will not also increase the budget. But if you are in loss, you will start reducing the budget by 20% again. So the day you are in profit, you will increase the budget by 20%. The day you are break even, you will keep it as it is. The day on which you are in loss, you will reduce the budget by 20% again. Now the same strategy will apply with horizontal aggressive scaling. In that, you will have to double the budget. That is a very, very aggressive scaling. Why we say horizontal safe scaling was little safe? Why? Because the optimization do not get disturbed during that particular scaling strategy. Here, you are completely doubling the budget. Okay, you are playing with the metrics. But if your ad or if your design is good, you will definitely get sales on that. So you are doubling the budget because you want to scale it aggressively. So 400 rupees, you will make it 800 rupees, then 1600 rupees, then 3200 rupees. And in the similar way, if you are break even, you will not do anything. If you are in loss, you will start reducing the budget by 50%. So from 3200, you will bring back to 1600 and then 800. If in between you are again profitable, you will again double it. So this is how aggressive horizontal scaling will work. Now, the third and the most safest one is DII, that is duplicate and add interest. What you need to do is, if you feel that out of these three ad sets, one is profitable for you after 3 days and it is giving you consistent sales. So what you will do, you will simply duplicate this and what you will do, you will simply change the interest. Everything will remain the same. Ad copy, ad image will remain the same. The interest that you used earlier on, you will replace the old interest and you will replace it with the new one. Let's say earlier you used online shopping. Okay, so in the next one, and if you feel that this one was profitable, so what you will do, you will quickly duplicate this and you will simply replace this. You will go to suggestions, select engage shopper and remove this. So this is what DII means, duplicate and add interest. And also you need to remove the old one. So you need to keep publishing 2-3 ad sets on a daily basis with new interest and keep on monitoring that which ads or which particular interests are giving you better results. And this is how all these three scaling strategies work. Okay, तो मैं अभी हूँ अपनी स्केलिंग स्ट्रैटेजीज वाली शीट पे। अब सबसे पहले बात करते हैं सेफ स्केलिंग के बारे में, जिसमें हम 20% बजट इंक्रीज करेंगे। मान लो डे 1 पे आपका बजट था 400, 24 घंटे के बाद ही प्रॉफिटेबल है, तो आपने क्या किया, आपने बजट 20% से बढ़ा के 480 रुपये कर दिया। अब डे 1 पूरा चल गया, अब डे 2 पे आपने देखा 480 था, प्रॉफिटेबल है, तो आपने बजट 20% और बढ़ा के 576 कर दिया। फिर मान लो आपको इस दिन लगा कि ब्रेक इवन है, तो कोई चेंज नहीं किया। अगले दिन मान लो वो लॉस पे आ गया, तो आपने 576 से वापस उसको 480 कर दिया। अब अगले दिन प्रॉफिटेबल है, बढ़िया है, तो आपने बजट फिर से बढ़ा दिया। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आगे चलता रहेगा। आ जाते हैं अग्रेसिव स्केलिंग पे। अग्रेसिव स्केलिंग पे मान लो बजट था आपका 400, बढ़िया था, बजट डबल, प्रॉफिटेबल था, बजट फिर डबल कर लिया। ब्रेक इवन था, कोई चेंज नहीं किया, बजट सेम रहा अगले दिन भी। मान लो लॉस पे आ गया, तो बजट हाफ करके 800 कर दिया, और फिर प्रॉफिटेबल है तो फिर बढ़ा दिया, और ये प्रोसेस आपका आगे तक चलेगा। अब आ जाते हैं बैलेंस स्केलिंग पे या DAAI पे। इस पर आपको क्या करना है, 400 था बजट, प्रॉफिटेबल था एटलीस्ट एक एड सेट उस कैंपेन में, तो आपने क्या किया, आपने एक प्रॉफिटेबल एड सेट ऐड कर लिया। ठीक है, मतलब आपने डुप्लीकेट एंड एड इंटरेस्ट किया। अब अगले दिन जो नया एडसेट चलाया वो भी प्रॉफिटेबल था, तो आपने फिर से एक नया मतलब उस एडसेट को डुप्लीकेट किया, नया इंटरेस्ट ऐड किया। अगले दिन जो एडसेट चल रहा था लास्ट वाला वो ब्रेक इवन में था, तो आपने कुछ नहीं किया। मान लो फिर वो जो लास्ट एडसेट था वो लॉस में आ गया, तो अगर कोई भी एडसेट लॉस में आएगा तो आपको कैप रूल अप्लाई करना है, जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है। और मान लो कि आपका नया एडसेट प्रॉफिटेबल है तो फिर से DAAI करोगे। तो ये आप टेबल यूज़ कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अगर बाई चांस आपको कोई सवाल हो तो आप मेरे से नीचे पूछ भी सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कॉमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, कोई सवाल है मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना, कोई वीडियो के लिए आइडिया है नीचे कॉमेंट करके बताना। और अगर आपको ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेसेस या ई कॉमर्स ब्रांड्स बनाने से रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।